वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस, आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन टॉपिक में, सोशियो ऑप्शनल में, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पिछले टॉपिक में हमने देखा था एनिमिज्म, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस लेक्चर में एनिमिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे टेलर की थ्योरी। आप देखोगे कि टेलर की थ्योरी हमें पढ़नी होती है ऑप्शनों में, बट साथ में अगर आप ये वाले क्वेश्चन देखो, ओरिजिन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, ये वाला टॉपिक देखो, या फिर यहाँ पर इन्होंने रिलीजियस बिलीव्स इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ वही पूछ लिया, तो मैक्स मुलर भी हम वहीं पढ़ते हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी के रिलीजियस बिलीव्स में। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकी एक बुक नहीं, 50 वॉल्यूम है जो पब्लिश हुए थे इंडिया में। इन्होंने स्टडी की थी द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इस सीरीज़ में इनके 50 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे। तो इन्होंने स्टडी किस पे की थी, वेदास पे, उपनिषदास पे और पुराण पे, इन सब चीज़ों पे इन्होंने स्टडी की। और फाइनली इन्होंने काइंड ऑफ फेवर कह लो इंडियन फिलॉसफी के लिए या माइथोलॉजी के लिए, इनको वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। तो बेसिकली जो मैक्स मुलर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, इन्होंने वैदिक पीपल के लिए बात की थी। तो इन्होंने कहा था कि जो नेचुरल फोर्स है, नेचुरल वर्शिप है, वो देखी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे इन्होंने देखा कि गॉड ऑफ ऋग्वेदा हैं, वो एक्टिव फोर्स ऑफ नेचर है, और उनमें से थोड़ा थोड़ा उन्हें पर्सोनिफाई कर दिया और सुपर नेचुरल एंटिटी की तरह बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेन गॉड, तो रेन क्या है, रेन नेचुरल फोर्स है, फोर्स ऑफ नेचर है। तो रेन को उन्होंने पर्सोनिफाई करने के लिए क्या कह दिया, इंद्रा, रेन गॉड हो गए। सो ही पर्सोनिफाइड द फोर्स ऑफ नेचर विद इमेजिनरी सुपर नेचुरल फोर्सेज, बेसिकली ये हुआ। तो इन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज़ की थी मैक्स मुलर ने, उस टर्म को कहते हैं ये अ डिजीज ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्या कहते थे, जो माइथोलॉजी है दैट इज़ अ डिजीज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की बीमारी है। माइथोलॉजी क्या कर सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो उनके व्यूज़ में जो गॉड्स का आइडिया है, भगवान का आइडिया, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन माइथोलॉजी उसे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट पर्सनैलिटीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जैसे रेन गॉड में बना दिया। बेसिकली ये इनकी पूरी कहानी थी मैक्स मुलर की। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा था मैक्स मुलर ने, कि जो रिलीजन है आदमी बनाता है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग एंड फियर के ऊपर बेस्ड है। तो ये चीज़ हमने काफ़ी हद तक पिछले लेक्चर में भी देखी थी, बट डिटेल में जो आप बात कर रहे हो वो ये है। तो ई बी टेलर के हम कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एनिमिज्म में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एक डेफिनेशन टेलर की आप ये बस ध्यान रखना, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। टेलर ने रिलीजन को इतना डिफाइन किया था, मिनिमम डेफिनेशन जो रिलीजन की दी है वो बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स। रिलीजन की आप देखोगे काफ़ी बड़ी बड़ी डेफिनेशन आपको पढ़नी होती हैं, जैसे इमाइल डर्खाइम की डेफिनेशन देखो काफ़ी बड़ी है। तो टेलर ने बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी थी कि रिलीजन ऐसा आदमी जो सिर्फ किसी भी स्पिरिचुअल बींग में बिलीफ रखता हो वो रिलीजियस है। इसीलिए कहते हैं मिनिमलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ रिलीजन दैट इज़ गिवन बाई टेलर। एनिमिज्म में हमने ये बात कर ली थी, एनिमल हो, प्लांट हो, रॉक, रिवर, वेदर सिस्टम। टेलर ने क्या कहा था, स्पेशली सोल्स के बारे में बात की थी, राइट। तो इंट्रोडक्शन की हमने कुछ देखा, राइट। देन इसके बाद हमने ओरिजिन देखा था, रिलीज बिलीफ का कैसे ओरिजिन हुआ। देन थिंकर्स पर्सपेक्टिव कुछ हमने देखे, कुछ अलग अलग थिंकर्स के व्यूज़ हमने देखे थे। देन कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, उसके बाद एग्जाम्पल्स कुछ देख लिए, कंक्लूजन देख लिया था। तो टेलर की थ्योरी ऑफ एनिमिज्म हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। ये लेक्चर आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा, इस प्लेलिस्ट में सोशियो ऑप्शन लेक्चर्स यहीं पर सारे होंगे। रिलीजन से मेरा थोड़ा स्पेशल लगाव है इसलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ, एक्चुअली एंथ्रो में मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो वो पहले आता है। और सोशियो ऑप्शनल में आप अगर इनरोल करना चाहते हो देन यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट, ऑप्शनल में सोशियो ऑप्शनल में जाके आप इस पेज पर डिटेल्स देख सकते हो। कोर्स के बारे में लिखा हुआ है, फ्री मटेरियल्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देन यू कैन इनरोल एज वेल। तो समझने की कोशिश करते हैं टेलर की थ्योरी किस कॉन्टेक्स्ट में दी क्यों दी। तो टेलर ने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या किया, जो आज की इंडिजिनस सोसाइटीज़ हैं, आज की जो ट्राइबल कल्चर्स हैं, उनको इन्होंने एज अ डेटा फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि प्रिमिटिव एनिमिज्म हमें स्टडी करना है पुराना, ठीक है, तो हम एक्स्ट्रापोलेट ही करेंगे ना। आज जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा से हमने पुराने डेटा को एसेस करने की कोशिश की, एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की, इस वे में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो इन्होंने क्या कहा था, टेलर ने क्या कहा, जो ह्यूमन सोल है वो ही एलिमेंट्री बेसिस है हर एक रिलीजन का, एलिमेंट बेस है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसी से सुपर नेचुरल बींग्स आती हैं, सोल या आत्मा से ही सब कुछ आता है। तो जो उन्होंने डेफिनेशन दी, बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग, यही रिलीजन की मिनिमम डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन में आपको जो कुछ लिखना हो लिख देना इसमें से। तो बेसिस देखते हैं थ्योरी किस बेस पे बनाई गई।
तो जो ये थ्योरी है बेसिकली टेलर ये कहते हैं कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन था तो वो ड्रीम्स और वेकिंग कॉन्शियसनेस में डिस्टिंग्विश करने में कैपेबल नहीं था, तो इसे उन्होंने टर्म दी प्रिमिटिव इनेबिलिटी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि आप सो रहे हो और जाग रहे हो, आपने सपने में कुछ देखा और जाग के आप कुछ देख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या। कई बार हम भी ऐसे सो जाते हैं फिर सो के उठते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो हमारे सामने ही हो रहा था। तो उस वे में इन्होंने कहा जब हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स थे उन्होंने जब ड्रीम में अपने उन दोस्तों को देखा जिनकी डेथ हो चुकी थी या रिलेटिव्स को देखा, तो उन्हें देखा वो तो अभी भी जिंदा है और जिंदा है किसी ना किसी स्पिरिचुअल फॉर्म में जिंदा है। क्यों उन्हें ऐसा क्यों लगा? देखा सपने में था लेकिन क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, देर वॉज अ प्रिमिटिव इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रीम एंड वेकिंग कॉन्शियसनेस। उनको सपने में नजर आए लेकिन उनको समझ नहीं आता था कि सपना है कि सही है, उस वजह से वो उन्हें जिंदा मान लेते थे, बट उन्हें सामने दिखते नहीं थे तो उसे मान लेते थे कि स्पिरिचुअल फॉर्म में कहीं ना कहीं है, आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं जिंदा है। तो ये इनकी बेसिस है थ्योरी का। अब टेलर क्या कहते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपने जो लगातार सुने होंगे, सोल के बारे में सुना हो, आत्मा, डेमन, राक्षस, डेटी, भगवान और किसी इस तरह के और भी जो और क्लासेस है स्पिरिचुअल बीइंग्स की, ये सारी सिमिलर हैं, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, कोई बहुत बड़ी छोटी नहीं है, ठीक है। और इसमें से अगर आप देखोगे सोल का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द ओरिजिनल वन। तो टेलर क्या कहते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स या फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग वो सबसे ज़्यादा ओरिजिनल है। आप राक्षस और भगवान को मानो मत मानो लेकिन आत्माओं को आपको मानना पड़ेगा, टेलर यही कहते हैं। अब बैकग्राउंड, इनकी थ्योरी डेवलप कब हुई थी? इनसे पहले चलता था एक डिग्रेडेशन थ्योरी, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी इनकी थ्योरी को हम डेवलपमेंटल या इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी कहते हैं। ये कहते हैं रिलीजन सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व होता है, इनका इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बताया था लेकिन जो इनकी इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी है वो यही कहती है कि रिलीजन सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाता है। ये थी डेवलपमेंटल थ्योरी। बैकग्राउंड में क्या चलता था? डिग्रेडेशन थ्योरी, मतलब रिलीजन ऑलरेडी डेवलप हो गया था, ठीक है, हाई कल्चर था, ठीक, हाई कल्चर या फिर कॉम्प्लेक्स कल्चर था। तो डिग्रेडेशन थ्योरी क्या कहती थी? हाई कल्चर से सिंपल लोगों तक जाता था रिलीजन। तो डिग्रेडेशन थ्योरी क्या कहती है? रिलीजन ऑफ रिमोट पीपल कुड ओनली स्प्रेड बाई सेंटर ऑफ हाई कल्चर, जो बड़े बड़े सेंटर्स थे कल्चर के वही रिलीजन को स्प्रेड कर सकते थे। तो और इस पूरे प्रोसेस में रिलीजन डिग्रेड होता है। ये सबसे ज़्यादा जो आपको रिलीजियस वैल्यूज़ दिखेंगी वो बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं रिलीजन के, हर एक धर्म में ठेकेदार होते हैं, वहाँ पर ही रिलीजन आपको दिखेगा। उसके अलावा जिसके पास भी रिलीजन गया, यहाँ हाई कल्चर है, यहाँ से फिर सपोज़ यहाँ से हमारे पास आया तो 50% बचा, हमसे आगे गया 25% बचा, 5% बचा, डिग्रेड होगा इस प्रोसेस में। तो टेलर ने कहा ऐसा नहीं है, आप गलत हो, रिलीजन जो इवॉल्व होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स हाई की तरफ जाता है, ना कि हाई टू लो। उन्होंने डिग्रेडेशन थ्योरी के अगेंस्ट पूरी अपनी थ्योरी बताई थी, तभी उन्होंने कहा कि इतना सब करने की नीड ही नहीं है, अगर आपका स्पिरिचुअल बीइंग में बिलीव है तो आप रिलीजियस हो, दैट्स इट। इसीलिए उन्होंने कहा मैं रिलीजन की सिर्फ मिनिमलिस्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं। तो थ्योरी क्या है? इनकी जो थ्योरी है इवोल्यूशन के बेस पर है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स के वे में जा रही है। अब रिलीजन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स से इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन यहीं से हुआ। आदमी ने सपने में सोल्स देखी, देखा कि वो मिलके अपने दोस्तों को मिलने जा रहा है, कई सारी चीज़ें हैं, आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, और कहानियाँ लोग पढ़ाते हैं सोशियो में, पढ़ने की नीड नहीं है। तो जो उन्होंने सोल्स देखी क्योंकि वो कॉन्शियसनेस स्लीपिंग एंड क्या कहा था उसे हमने, वेकिंग एंड स्लीपिंग कॉन्शियसनेस दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, वहाँ से रिलीजन स्टार्ट हुआ। ये उनका स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्शन आया, डेथ ड्रीम और एप्रेशंस जो भी वॉट एवर, इससे क्या है वाइडर डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट इस पर आया बेसिकली। उसी से अल्टीमेटली चीज़ें और एक्सपेंड होके गई हैं डेमोन्स और गॉड्स की तरफ। तो बेसिकली जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था यहाँ पर, सॉरी ये बेसिस बताया था थ्योरी का, प्रिमिटिव इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रीम एंड वेकिंग कॉन्शियसनेस, आदमी ने सपना देखा और उन्होंने कहा कि ये आदमी तो जिंदा है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रहे, वो ऑलरेडी डेथ उसकी हो चुकी थी तो सामने उसने दिखना नहीं है, तो उन्होंने कहा दिख तो रहा नहीं है तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल फॉर्म है। तो जो इनकी आप थ्योरी देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स है या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग है, यही बेसिस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेलर्स थ्योरी इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट्स या डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स क्रिटिकली एनालाइज कमेंट, तो आपको इसी वे में ये सब एक्सप्लेन करना है।
अब ये और एक चीज़ कहते हैं कि रिलीजन तो बाद में आता है, उससे पहले हर एक कल्चर में एक ट्राइब भी होगी, एक प्री रिलीजियस स्टेज भी होती है, उसके बाद रिलीजन आता है। तो रिलीजन में ट्राइब होती है, राइट। तो बस उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ ये कही थी कि रिलीजन को अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो तो फिर आप एक मिनिमल डेफिनेशन ज़रूर दो, जो मैं आपको इस लेक्चर में 3-4 बार बता ही चुका हूँ। तो इवेल्यूएशन अगर हम करने की कोशिश करें तो टेलर ने क्या कहा, जो भी कहा वो काफ़ी बैलेंस्ड दिखते हैं अपने जजमेंट में। इन्होंने नैरो फ्रेम में नहीं लिया मिनिमल रिलीजन को, इन्होंने बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन दी कि आप किसी भी स्पिरिचुअल थिंग में बिलीव करते हो वो रिलीजन आपका कहलाएगा। बाकी लोगों ने बहुत नैरो फ्रेम में ले लिया होगा तो ये उस मामले में बेटर है, किसने क्या लिया वो आपको रटने की नीड नहीं है। तो ये बेसिकली ये कहते हैं, इफ़ नो पीपल आर डिवॉइड ऑफ सच मिनिमल बिलीफ, मतलब अगर हर आदमी के पास ऐसा मिनिमल बिलीफ आ जाए तो ये कहा जा सकता है कि ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ पास द थ्रेश होल्ड इन टू रिलीजियस स्टेज ऑफ कल्चर। मतलब सपोज अगर 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग के पास ऐसा मिनिमल बिलीफ है जो स्पिरिचुअल बीइंग में बिलीफ रखते हैं, मतलब वो रिलीजियस हैं, रिलीजियस स्टेज ऑफ कल्चर, दैट्स इट। तो ये वो ब्यूटीफुल लाइन है जिससे आप समराइज कर सकते हो या इवेल्यूएट कर सकते हो टेलर की थ्योरी को। एप्लीकेशन अगर आप इनको देखना चाहो तो जो टेलर है बेसिकली है तो इनकी थ्योरी एनिमिज्म से रिलेटेड, सोल क्या है एनिमिज्म जैसे हमने देखा था उसी का एक टाइप है। तो जो इनकी थ्योरी है वो यूनिक वे में सूट कर जाती है हर एक कल्चर को। जैसे मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअल बीइंग कुछ और हो सकती है, आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल बीइंग कुछ और हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकती है। तो इस वे में आप देखोगे कि सबका सिस्टम ऑल दो ग्रेट वेराइटी है बट फिर भी वो हर एक कल्चर और हर एक सेटिंग में डिफाइन होता है, बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। फिर इसके बाद कुछ एप्लीकेशन आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल रिकग्निशन मांगी है एनिमिस्ट की तरह। ये बेसिकली आप इंडोनेशिया और नाइजीरिया में आप देखा करो न्यूज़ में, कई बार ये रिलीजन आपको दिखेंगे कि इंडिजिनस रिलीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये जुलूस निकालते हुए दिख जाएंगे। देन जो आजकल के जो न्यू एज मूवमेंट है या न्यू पेजन या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट है, वहाँ पर एनिमिज्म को टर्म ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे लोग पत्ते लीव्स पहन के खड़े हो जाते हैं, या फिर लोग पेड़ से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी एनिमल से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एनिमिज्म आज के टाइम में इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया। देन इसके बाद एक और चीज़ है, जुलू रिलीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो टेलर का जो अकाउंट था, ठीक है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। जुलू लोग क्या है, उनको ड्रीम्स में अपने जो एंसेस्टर्स थे जिनकी डेथ हो चुकी थी उनकी शेड या शेडो दिखा करती थी, तो वहाँ से उन्होंने वो सारी कहानी बनाई फिर टेलर ने। तो अब इनकी फिर काउंटर थ्योरीज भी आनी थी कि ऐसा कैसे होगा, कुछ क्रिटिसिज्म भी आप इसको कह सकते हो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिसाइज जिन्होंने किया। सबसे पहले तो इमाइल डरखाइन, जिन्होंने और भी सिंपल थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि आप सोल और इन चीज़ों में क्यों जाते हैं जो हमें दिखता ही नहीं है, उससे क्या मतलब है। डरखाइन ने अपनी बुक में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में ये कहा कि रिलीजन के नाम पर सोसाइटी अपनी वर्शिप कराती है। सोसाइटी एक सिंबल बनाती है, उस सिंबल को नाम देती है टोटेम का, उस टोटेम की पूजा कराती है। कुछ अगर आप देखो इंग्लिश और जर्मन थ्योरिस्ट हैं वो मैजिक को सुपर नेचुरल पावर की तरह मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जहाँ आदमी नेचर को साइंस से कंट्रोल नहीं कर पाया वहाँ उन्होंने मैजिक को डेवलप कर लिया था। तो रिलीजन की नीड नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, ये मैजिक है। देन सेम वे में जो सर जेम्स फेजर हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी गोल्डन बफ, उसमें इन्होंने कहा कि जो मैजिक की आर्ट है वही स्यूडो साइंस की तरह चल रही है। तो रिलीजन के आने से पहले मैजिक ने यूनिवर्सैलिटी गेन की थी, राइट। देन जो मेलिनोवस्की है, उन्होंने एक ये ट्रोबियंड आइलैंड है मेलिनेशिया का, वहाँ के लोगों को सेकुलर बताया कि यहाँ के लोग सेकुलर रिलीजियस हैं ही नहीं जो ये ट्राइबल्स हैं। तो उन्होंने किसी एक आइलैंड पर स्टडी कर ली, उसके बेस पर उन्होंने अपने पॉइंट्स दे दिए, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही हो सकता है। देखो तो काउंटर थ्योरीज बेसिकली क्या है, डरखाइम क्या है, टोटेम की बात करते हैं, कुछ जर्मन और इंग्लिश थिंकर्स मैजिक की बात करते हैं, देन जेम्स फेजर भी मैजिक की बात करते हैं। वो ये कहते हैं मैजिक पहले आया, रिलीजन बाद में आया, सोल की नीड ही नहीं है बताने की। और जो मैरिनोवस्की है वो तो यहाँ तक बताते हैं कि जो भी ट्राइब्स हैं वो सेकुलर हैं, आप उन्हें कह लो रिलीजियस ये कह लो वो कह लो, बट इशेंशली दे आर सेकुलर। और रियल में अगर आप देखो तो है भी ऐसा।
ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही एनिमिज्म में इतना ही पढ़ने की नीड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोनिज्म, और ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। मोनिज्म का लेक्चर ऑलरेडी आपको यहाँ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक प्लूरलिज्म कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप इनरोल करना चाहो तो सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर आ सकते हो। प्लस अगर आपका प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड कोई और इश्यूज़ हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आवर स्पेशल कोर्सेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।